ही जाते हैं। चोला पीरियड बताओ। अभी मैं हूँ ब्रॉन्ज, ये मुझे बेस्ट कलेक्शन लगा। आज हम जा रहे हैं सालार जंग म्यूज़ियम, जो कि चार मीनार के बिल्कुल ही पास में है। वे टू म्यूजियम क्लॉक रूम, वे टू पार्किंग स्ट्रीट, पार्किंग स्ट्रीट। अब हम आ चुके हैं सालार जंग म्यूज़ियम। तो मेरे सामने, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसके नज़ारे, और मैं अंदर मोबाइल लेके जा रहा हूँ। सालार जंग में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि नवाबों के टाइम पर यूज़ किए गए उनके बर्तन, उनकी पोशाकें, उनके द्वारा यूज़ किए गए बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें। इसको घूमना पूरे दिन में भी मुझे लगा कि नामुमकिन है, बट मैं जितना भी घूम पाया उसके मैं कुछ दृश्य आपको इस वीडियो में दिखाता रहूँगा। चोला पीरियड बताओ। ये चीजें फिफ्थ और सिक्स्थ सेंचुरी एडी, पता नहीं है कितना पुराना हो सकता है, बहुत पुराना है। सेवेंथ और एट्थ सेंचुरी बताओ, 18th सेंचुरी ब्लैक स्टोन अंजलि मुद्रा गरोड़ा। ये देखो यार, ये तो है ही नहीं, ये तो। अगर आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है और हिस्ट्री में आपका बहुत इंटरेस्ट है तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें देखना वाकई बहुत पसंद है, मैं इमेजिनेशन में डूब पड़ता हूँ कि पुराने लोग कैसे जीते थे, उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, और वो कैसे पहनते थे कपड़े, कैसे सामान यूज़ करते थे, यह सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक इंटरेस्टिंग क्लॉक है जिसका मैं वीडियो लेने की कोशिश करूँगा, जिसको हर कोई देखने आता है। जब 3 बजेंगे ना तो वो उस एक डोर ओपन होकर एक आदमी निकलेगा और वो उस बैल को 3 बार बजाएगा।
नवाबों के द्वारा यूज़ किए हुए हथियार काफ़ी अच्छे से यहाँ पर संरक्षित हैं, जिसमें कि बहुत ही बड़ा कलेक्शन है सोर्ड्स का, गन का और पिस्टल्स का, जिसको देखकर आप फिर से हिस्ट्री में पहुँच जाएंगे। ये म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें निज़ाम की कलेक्शन बहुत सारी है। हम जाते हैं कॉइन की गैलरी में, पीछे हैं पंचमार्क कॉइन्स। अभी मैं हूँ बिद्री गैलरी में और यहाँ पर बहुत तरह तरह की अजब गजब चीज़ें हैं, मतलब देखकर ना आप दंग रह जाओगे, सोचोगे यार क्या बात है। अब मैं हूँ ब्रॉन्ज कलेक्शन में, अभी मैं हूँ ब्रॉन्ज, ये मुझे बेस्ट कलेक्शन लगा। दिल खुश हो गया यहाँ के बच्चों के टॉयज़ वाला कलेक्शन देखकर, मेरा बेटा जो है ना वो बहुत खुश हुआ इनको देखकर, ये कलेक्शन रियली बहुत अच्छे हैं। ये ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में विभिन्न प्रकार की गैलरी हैं और उसमें तरह तरह की चीज़ें संरक्षित हैं।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको घूमते घूमते हमारे ना पैर दुखने लगे थे, मगर हम इसकी पूरी गैलरी को घूम नहीं पाए थे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। पूरा थक जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट किया और पास वाले रेस्टोरेंट पर लंच किया। वहाँ पर हमने हैदराबाद की फेमस कराची बिस्किट्स खाए। अच्छा, ऐसे जैसे किसी चॉकलेट को ना भून दिया हो कुछ, उस टाइप का, जैसे कोई चॉकलेट रोस्ट की गई हो, उस टाइप का टेस्ट है। अच्छा, हमें ये वाला इसमें ओवन का सा फील आता है, जैसे फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है। ये भी अच्छा है कम, बट मुझे इसके कंपैरेटिवली ये वाला अच्छा लगा। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा, जैसे फ्रूट केक होता है ब्रिटानिया का ना, कुछ वैसा ही टेस्ट है इसका।